मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट दो में अभी आप लोगों को मैं इस कविता का जो सारांश है, व्याख्या है, अभी मैं बताया हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे आप लोगों को मैं सुलेख बताने जा रहा हूं। सुलेख आप लोगों को अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। कहां से कहां तक करना है मैं बता दूं। सच है विपत्ति से स्टार्ट करेंगे और अंत तक, लास्ट तक आप करेंगे, वह पाता है। वह पाता है अर्थात आपको पूरी कविता सुलेख के रूप में लिखनी है। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद श्रुति लेख आप लोगों को कौन कौन सा करना है, विपत्ति, दूसरा नंबर सुरमा, तीसरा नंबर विचलित, चौथा नंबर विघ्न, पांचवा नंबर है पर्वत, और छठवां नंबर है पत्थर। इसके बाद सातवां नंबर है प्रखर, आठवां नंबर है वंतिका, इसके बाद नौवां नंबर है उजियाली, और दसवां नंबर है रोशनी। ये दस श्रुति लेख आप लोगों को कॉपी में करना है। पहला नंबर है विपत्ति, दूसरा नंबर है सुरमा, तीसरा नंबर है विचलित, चौथा नंबर है वेदन, पांचवा नंबर है पर्वत, सिक्स नंबर, छठवा नंबर है पत्थर, सातवां जो नंबर है वह है प्रखर, और आठवां नंबर है वर्तिका,
नौवां जो नंबर है वो ज़ियादी, और दसवां जो नंबर है वह है रोशनी। तो यह सुलेख और श्रुति लेख, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको सुलेख और श्रुति लेख को आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।